बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। कंगना रनावत ने शाइसा शिंदे को उनके रूड बिहेवियर के लिए एलिमिनेट कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद हमने एक और चौंकाने वाला एलिमिनेशन देखा। बात कर रहे हैं सारा खान की। उनके निकलने की अनाउंसमेंट चौंकाने वाली थी। वही कंगना रनावत सारा खान पर थोड़ा भड़क गई और कहा, सारा आपको खुद को बचाने का मौका मिला लेकिन आपने इसका फायदा नहीं उठाया, जिसका मतलब है कि आप घर में नहीं रहना चाहती है। सारा खेल अच्छी तरह से खेल रही थी लेकिन उनके एक्स पति अली मर्चेंट के प्रवेश ने उनका खेलने से ध्यान हटा दिया। सारा जेल में निशा रावल और शायशा के बेहद करीब थी। अली के साथ की लड़ाई ने उन्हें परेशान कर दिया, जबकि सारा क्लियर थी कि वो अली से बात नहीं करना चाहती लेकिन अली हर समय सारा से बात करता रहता। हाल ही में सारा ने अली पर उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने करणवीर वोरा से इस बारे में बात भी की और टूट गई। उसने करणवीर वोरा से कहा, आप जानते हैं कि समाज कैसा है और वो लड़की को ही दोष देते हैं। 12 साल का धब्बा मैं इसे धोने की कोशिश कर रही हूँ और ये आदमी फिर से वापस आ जाता है। सारा ने यह भी खुलासा किया कि अली ने उन्हें कई बार धोखा दिया था। सारा ने कहा, हर बार मैंने उसे मौका दिया है, मैंने उसे कई बार पकड़ लिया था, मैंने उसके हर झूठ को पकड़ा है। 3.5 साल में मैंने उसे 300 मौके दिए हैं। वह मेरा पहला प्यार था। जाहिर है कि आप रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहेंगे पर जब बहुत हुआ तो मैंने कहा जाओ, और इससे बाहर आने के लिए मुझे जीवन में आगे बढ़ने में 4.5 साल लग गए। OTT प्लेटफॉर्म पर लॉकअप 24/7 लाइव स्ट्रीम होता है और दर्शकों को कंटेस्टेंट के साथ सीधे बातचीत करने की फैसिलिटी भी है। आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ को लेकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।